नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। ये कहानी आपकी आत्मा को झंझोड़ के रख देगी। ऐसा कहा जाता है कि जो नर इस कहानी को सुनता है उसकी औलाद पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती, कभी कोई संकट नहीं आता। जिस व्यक्ति की संतान इस कहानी को सुनती है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाती, वो हमेशा अपने माता पिता की सेवा करती है, माता पिता का कहा मानती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी औलाद को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो इस कहानी को आप खुद सुने और अपनी औलाद को जरूर सुनाएं। दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी औलाद ढेर सारी प्रेरणाएं ले सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। प्रिय दर्शकों, इस बात को तो आप भी जानते होंगे कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ये बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी हासिल करें। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी तोता की कहानी, हिंदी लोक कथा। प्रिय दर्शकों, ये एक राजा की कहानी है जिसका लड़का मुसीबत में पड़ जाता है, जिसके बाद राजा को पता चलता है कि उसका बेटा तोता बन गया है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ये कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। और बहुत साल पहले की बात है, एक राजा था, वो बहुत ही अच्छा था, अपनी प्रजा का अच्छी तरह ध्यान रखता था। उस राजा की सभी तारीफ किया करते थे क्योंकि वो राजा बड़ा दयालु था, अपनी प्रजा को अपने पुत्र की भांति प्रेम किया करता था। उसके राज्य में कभी कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहा। प्रिय दर्शकों, मगर उनके दरबार में एक आदमी ऐसा था जो उसका भला नहीं चाहता था। वो यही सोच करता था कि इसे किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहिए, मगर उस व्यक्ति को कोई भी ऐसा समय नहीं मिल रहा था जिससे वे ऐसा काम कर सके। प्रिय दोस्तों, उस राजा के एक लड़का था जिसकी उम्र 20 वर्ष की थी। वो बहुत ही अच्छा था, अपने पिताजी की तरह वो सभी का भला चाहता था, अपनी प्रजा का प्रिय राजकुमार था। प्रिय दर्शकों, उस आदमी को यही लगता था कि अगर मैं राजा के बेटे को तकलीफ देता हूं तो इससे राजा बहुत परेशान हो सकता है। अब वो आदमी इसी बात को सोचकर ऐसा करने को चाहता है क्योंकि ये बात बहुत समय पहले की है। राजा को अपना सलाहकार चुनना था। जिससे वे सभी तरह के मामले में उससे बात कर सके। तभी राज दरबारी को ऐसा यही लगता था कि वह आदमी ही काबिल है जो उसे ही राजा जरूर चुनेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि राजा की पत्नी का भाई अचानक वहां पे आ गया था। उसे भी काम की तलाश थी, इसलिए रानी ने उसे ही सलाहकार के रूप में चुन लिया था। तभी से वो व्यक्ति राजा से नाराज हो गया। अब उस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि मुझे राजा को अब सबक सिखाना चाहिए क्योंकि राजा ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और अब वो व्यक्ति किसी भी तरीके से राजा को परेशान करना चाहता था, मगर उसे कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन राजा ने
प्रिय दर्शकों, अब एक दिन राजा ने कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे राजा के पास जाना होगा, क्योंकि वे किसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं। रानी भी इस बात से चिंतित लग रही थी, क्योंकि राजा बहुत साल में इतने दिनों के लिए बाहर कभी नहीं गए थे। राजा ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे। प्रिय दर्शकों, राजा इस बात को कहकर वहां से चले जाते हैं। उधर उस व्यक्ति को अब अपना काम पूरा होने का एक मौका मिल जाता है। उधर उस आदमी को अब अपना काम पूरा होता नजर आ रहा था। वह राजा के बेटे से मिला और कहने लगा कि हमें युद्ध के लिए और भी नीति सीखनी चाहिए, और इसीलिए अब तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। वह राजा के बेटे को लेकर एक गुफा में चला गया। वह गुफा पहले राजा के बेटे ने कभी नहीं देखी थी। वो ऐसी धुंधकार अंधकार वाली गुफा थी। उस गुफा को देखकर वो बहुत डरने लगा। वह लड़का काफी डरा हुआ लग रहा था। वो राजकुमार उस गुफा को देखकर डर जाता है और वो काफी घबराने भी लग जाता है। मगर वे आदमी कहने लगा कि इसमें डरने की बात नहीं है, तुम्हें इसी में जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। वो व्यक्ति अब राजकुमार को अंदर ले जाता है। तभी राजकुमार ने देखा कि अंदर एक जादूगर बैठा है। वह तरह तरह के जादू कर रहा था। उसे देखकर लड़का कहने लगा कि ये कौन है जो यहाँ पर बैठे हैं। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो, अब तुम्हें ये जादूगर कोई भी पक्षी बना देगा, अब तुम महल में भी नहीं जा सकते हो। प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर अब वो राजकुमार बड़ा डर जाता है, बहुत घबराने लगता है। अब कुछ नहीं हो सकता था। वो आदमी कहने लगा कि राजा की वजह से ये सब कुछ हुआ है, अगर राजा मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो मैं भी ऐसा नहीं करता। मगर राजा को सबक सिखाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। जादूगर ने उस लड़के पर जादू किया और वो राजकुमार तोता बन जाता है। मगर वह हरा तोता नहीं था, बल्कि एक नीला तोता बन गया। वह तोता तो बन गया, वो तोता बन जाता है। ये देखकर वे आदमी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब राजा को पता चल जाएगा कि उसने क्या गलती की है। यही सोचकर वो आदमी बड़ा प्रसन्न होता है। उधर रानी भी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वे अभी तक कि मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया। प्रिय दर्शकों, शाम हो गई थी, मगर राजकुमार का कोई पता नहीं था। वे इंतजार कर रही थी। वो व्यक्ति भी महल में आ चुका था। उधर जादूगर के हाथ में वे नीला तोता भी उड़ गया था। उधर जादूगर के हाथ से वो लड़के का बना हुआ तोता भी उड़ गया था। जादूगर को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहां चला गया है। अब उड़कर अपने पिताजी के पास जाता, क्योंकि उस लड़के को तोता बनने के बाद अपने पिताजी की याद आती है, तो वो अपने पिताजी के पास जाना चाहता था, क्योंकि वे सब कुछ उन्हें बताना चाहता था। वे अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है। जब उसने पिताजी को देखा तो उसके पास चला जाता है। नीला तोता पिताजी को देखकर सोच रहा था कि ये तोता नीला तोता पिताजी अब वो राजा नीले तोते को देखकर सोच रहा था कि ये आया कहां से होगा। मगर कुछ नहीं जानते थे। तोता उन्हीं के पास बैठ गया। तोता वहीं राजा के पास बैठ गया। अब वो तोता राजा से दूर नहीं जाना चाहता था, मगर राजा को ये बात अजीब लग रही थी। इसलिए इन सब का पता लगाने के लिए अब राजा एक आदमी के पास चले जाते हैं जो सब कुछ बता सकता था। वो आदमी बड़ा ज्ञानी था, बड़ा विद्वान था। प्रिय दर्शकों,
वे आदमी के पास राजा जाते हैं और पूछते हैं कि ये तोता मेरे पास क्यों आ रहा है। वे आदमी कहने लगा कि आप चिंता ना करें, मैं इस बारे में पता लगा सकता हूँ प्रिय दर्शकों। फिर उस आदमी ने देखा और बताया कि ये आपका बेटा है। प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति के मुंह से अपने बेटे का नाम सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद उस आदमी ने बताया कि ये सब किसने किया है। उस आदमी ने राजा के लड़के को पहले जैसा कर दिया, वापिस लड़का बना देता है। प्रिय दर्शकों, तब राजा महल को पहुंचता है तो अपनी रानी को देखता है कि रानी बहुत परेशान थी। रानी ने राजा को बताया कि पता नहीं बेटा कहाँ गया है, अभी तक नहीं आया और अभी तक कोई खबर तक नहीं है। प्रिय दर्शकों, तब राजा ने रानी से कहा कि तुम चिंता ना करो, मुझे सब कुछ पता है। और राजा ने उस आदमी को बुलाया और उसे सजा दी गई। राजा ये भी जान गए थे कि ऐसा क्यों हुआ था, उस व्यक्ति ने ऐसी हरकतें क्यों की थी। प्रिय दर्शकों, इस तरह राजा का परिवार फिर से खुशहाल रहने लगा और उस धोखेबाज व्यक्ति को फांसी हो जाती है, सरियाम उसको फांसी दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, ये एक बहुत पुरानी लोक कथा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करें। प्रिय दर्शकों, ऐसे धोखेबाज लोग पहले ही नहीं थे, आज भी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। आपके परिवार में भी ऐसे धोखेबाज लोग होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में भी ऐसे धोखेबाज लोग जरूर रहते होंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो दर्शकों ऐसे धोखेबाज लोगों से हमेशा बच के रहें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। और जब कोई व्यक्ति दगा करता है तो प्रिय दर्शकों ऐसा कहा जाता है कि दगा किसी का सगा नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा पीठ के पीछे वार करते हैं। ये लोग सामने से मुकाबला तो नहीं करते, मगर पीठ के पीछे ऐसी छिछोरी हरकतें करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानियां समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।